टोटल चार बच्चा दिया ये लोग इस बार, एंड एक बच्चा सरप्राइज है। कितना प्यारा लग रहा है, समझ रहे हो। फाइनली ये चेक करो भाई, आयबा का बच्चा लोग को गाना हम लोग का नहीं है जमाना का भाई, सब नानी लोग का जमाना का गाना है सब। से जर्म्स वगैरह बैक्टीरिया वगैरह धूप से मर जाएगा। हम लोग पापा के स्कूटर में जाते थे, घर साइकिल से जाते थे, तो कार से जा रहा है। सो हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। सो कैसे हो आप लोग? सो यस गाइज, सो आज है हमारा डे 11 ऑफ 30 डेज चैलेंज का। हमारा आज डे 11 है, मतलब 11th डे व्लॉगिंग का, मतलब व्लॉगिंग पहले भी करते थे। वैसे तो डे 537 या 38 हो चुका है, मतलब 550 दिन से व्लॉग बना रहा भाई तुम्हारा भाई। बट अभी क्या था कि बीच में थोड़ा सा इररेगुलर हो गया था, उसके बाद 30 डेज चैलेंज लिए थे नानी के बोलने पे। सो यस, ये हमारा 11वां दिन है 30 डेज चैलेंज का। सो जैसा कि आप थंबनेल देख के आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कुछ तो सरप्राइज रहने वाला है। सरप्राइज क्या भाई सब? सो हमारी जो रॉकी एंड आयबा था, वो लोग का फाइनली बेबीज हो चुका है, एंड बेबीज हुए हुए ऑलमोस्ट एक हफ्ता नहीं ज़्यादा हो गया है, 10-15 दिन पकड़ के चलो हो गया था, बट हम लोग अभी तक व्लॉग में दिखाए नहीं थे। सो अब दिखाएंगे क्योंकि वो लोग अच्छा से आइज़ वगैरह खुल गया है, सो अब दिखाएंगे। लास्ट टाइम क्या था कि जब आयबा एंड रॉकी हुआ था तो वो लोग को बचपन से दिखाए थे, बट ये लोग को थोड़ा सा सीक्रेट रखे थे भाई सब, समझ रहे हो, सीक्रेट रखे थे ताकि थोड़ा आँख वाँख खोल ले सब बढ़िया से। अभी सब चल वल रहा है, तो अब दिखाएंगे आप लोग को, आज दिखाएंगे ये लोग का नाम अमनी रखा गया है, एंड भाई साहब बताएंगे कि कैसा क्या क्या है। बाकी फिलहाल चलो फटाफट से ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं, उसके बाद बहुत सारा काम है बाहर का, वो सब भी करना पड़ता है। सो ये चेक करो बॉयज, ये रहा हमारा ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में इडली बना है, इडली और नानी झाल लग गया क्या इडली? वालेकुम झाल झाल इडली सुबह झाल लग गया नानी को इडली। बाकी अभी फटाफट से इडली खाते हैं, नाश्ता वास्ता कर लीजिए फटाफट से। कुछ फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है सब कंप्लीट, एंड नानी भी अभी नहा आके फ्रेश हो चुकी है। बट क्या सीन था कि हमको तिल लगवाना था सर, मैं तो बोलते नानी को तिल लगवाने के लिए। सो नानी ये चेक करो भाई, नानी बैठे हुए यहाँ पे। नानी नहाना धोना हो गया सब कम्प्लीट? हाँ, नहा धो लिए हैं। सुबह का नाश्ता आप लोग तो देख ही लिए क्या किए हैं, इडली तो थोड़ा सा चम्पी हो जाए तेल में। आओ आओ सर, जो तेरा चेक रहा है सर में तिल लगाना है ना? हाँ, सर में तिल लगा देते हैं क्योंकि बहुत दिन से बाल रुखा लग रहा है। नानी का हाथ का भी चैंपियन करते थे सर पे, बहुत बहुत सब जरूरत होता है भाई सब, मतलब नानी का हाथ का तिल। हाँ, ये सब प्यार है, प्यार है सब, प्यार है। जब छोटा था तो भी प्यार, बड़ा भी हो जाएगा नानी के लिए वही बच्चा रहेगा बेटा, वही बच्चा रहेगा। तेल कहाँ है माँ? कहाँ पे रखा हुआ है? ठंडा वाला तेल ने लगवाया? नहीं नहीं, तेल लगा भाई। ये तेल बढ़िया है, नारियल तेल वो सब ने लगाया, रोशनी बादाम तेल रोगन है। ये तेल कोकोनट है, इसमें आप प्याज डाल के लगा सकते हैं। लो भाई साहब, तेल का डिस्क्रिप्शन देख लो भाई साहब, प्याज डाल के लगा सकते हैं, मेथी डाल के लगा सकते हैं, आपका बाल उफ ये ज़ुल्फ उड़ेगी तो और बेचैन होंगे। थोड़ा खीरा भी डाल लीजिए गाइस, अपना पसंद से जिसको डालना होगा तो नीचे पड़ जाए। सो ये चेक करो बॉयज, मेरा चैंपियन का गाना बाकी है, चम्पी होगा। बाल खोलने देते पहले, थोड़ा खोलो ये ना। देखो भाई जुल्फो देख लो, जुल्फो लहरा रही है। सो अभी फटाफट से नानी कहाँ से चम्पी करवाते हैं और देखते हैं, उसके बाद बाहर का भी कुछ काम है, फिर हमको भी नहाना है। और क्या होता है कि ऑयलिंग नहीं कराने से बाल थोड़ा रूखा हो जाता है। ये जुल्फ कैसी है, जंजीर जैसी है, कॉपीराइट कैसा होगा जिसकी तस्वीर। अरे भाई साहब, कौन सा गाना था ये नानी है? कौन गाना था? पहली बार सुने आर ने तो कहा सब गाना हम लोग का नहीं है जमाना का भाई सब, नानी लोग का जमाना का गाना है सब। सर जो तेरा चकराए, दिल डूबा जाए, ये थोड़ा सुना सुना अच्छा, प्यारे पास हमारे काहे घबरा, जलजीरा खा काहे घबरा। चंपी को जो मजा है ना, आइए यार, कोई नाती है तो आ जाइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, हम नानी भाई, जिसको भी चंपी करवाना है भाई साहब आ जाना, नाती लोग आ सकते हैं।
का गाना कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता देना बॉयज। नानी इतना मतलब प्यार से गाना गाई बॉयज आप लोग के लिए। अच्छे से लाइक कीजिएगा, अच्छे से लाइक कीजिएगा गाइस, अच्छे से थोड़ा सा प्यार से लाइक कीजिएगा। जो लाइक वाला बटन दिख रहा है ना, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर देना। हाँ, यही तो हम नहीं बोलना चाहते, सब्सक्राइब जो भी होता है भाई का हम बोल दे रहे। बाकी चलो फटाफट से चंपी करवाते हैं। फाइनली चंपी वगैरह हो चुका है, बट नानी पूरा फेस में ऑयल वेल लगा भाई, सब मजा आ गया, नम हल्का लग रहा है। बाकी सिर्फ मेरा कपड़ा गंदा हो रहा है, इससे पहले हम पिंक टी शर्ट पहन के थे, उस पर पानी वानी गिर गया तो उसको फिर खुलना पड़ा। अभी ये पहनना है। अभी क्या सीन है कि मेरे को बाहर चलना है I-10 लेके। I-10 में हवा वगैरह नहीं है और उसका काम भी कुछ कराना है, हवा सिर्फ हवा ही लेना है, एंड आसिफ को भी स्कूल चलाना है। बाकी चलते फटाफट से I-10 निकाल। सो इस बॉयज लाल अभी घर से निकल रहे हैं बाहर I-10 को लेके भाई साहब, क्योंकि ये चेक करो, यहाँ रहा जेस्ट और ये रहा I-10। I-10 का चक्का वक्का दब चुका है। बाकी भी फटाफट से इसका कवर वगैरह खोलते हैं भाई साहब। क्या बताएं भाई साहब, एक एक बार में हर गाड़ी नहीं चला पाओगे आप, क्योंकि ड्राइवर हम ही है अकेला, एक और कोई यूज़ करता नहीं है, अकेला हम यूज़ करते हैं। तो एक टाइम पे कितना गाड़ी चलाए, फॉर्च्यूनर चलाए, जेस्ट चलाए कि I-10 चलाए, समझ रहे हो, समझ नहीं आता है। इसको इतना अच्छे से धो के साफ करके रखे थे, बट ये देखो सिर्फ खड़ा खड़ा यहाँ पे गंदा हो गया। बाकी चलो इसको कवर फटाफट से उतारते हैं भाई साहब। कचड़ा देखो, कचड़ा 0.5 में दिखाते हैं आपको। आ जाओ भाई साहब, आ जाओ आ जाओ। और ये रहा हमारा कार, जो कि सिर्फ साइड से गंदा हुआ, सिर्फ नीचे से गंदा है। ओ भाई साहब, ऊपर से भी गंदा हो गया हमारा भाई। चलो कोई नहीं, फिलहाल चलते फटाफट से आसिफ को। तो फिलहाल अभी I-10 निकाल चुके हैं, एंड ये चेक करो बॉयज, बहुत दिन के बाद आप लोग I-10 भी देखोगे। I-10 में हवा नहीं आगे, बट क्या करे, दिख रहा नहीं, शायद पंचर मत हो जाना भाई साहब। I-10 में हवा नहीं है, हवा भी लेना है, एंड आसिफ को पिक भी करना है। तो बाकी सबसे पहले अभी चल रहे हैं लोग आसिफ को स्कूल से लेने, उसके बाद उधर से हवा लेते हुए फिर घर जाएंगे एक ही बार। चेक करो भाई, बड़े बड़े लोगों को गाड़ी में पिक कर लिए भाई साहब। सो हाउ वाज योर डे ब्रो? नाइस। क्या हुआ, स्कूल में मार खाया कि नहीं खाया? नहीं मार कहाँ से खाएगा। देख रहे भाई साहब, कार से लेने आ रहे हैं, मतलब मौका का फायदा यही उठा रहा है और कोई नहीं उठा रहा भाई साहब। हम लोग पापा के साथ स्कूटर में जाते थे घर, और साइकिल से जाते थे, तो कार से जा रहा है। तो इस बॉयज फिलहाल अभी रुके हैं हवा लेने के लिए। चेक करो बॉयज, टायर कितना बैठा हुआ है, और ये अलॉय के चक्कर में मेरे को माइलेज नहीं मिलता है। चेक कर लीजिएगा हवा, उसके बाद दीजिएगा सब में, इसमें तो कम है। का किया कैंपर, का किया किधर, पीछे फेंक दिया। ये चेक करो भाई, गिर भी गया, गिरा दिया। देखो बोले ना, उसमें रख ले, डैशबोर्ड में रख ले। कितना पॉइंट अंकल इसमें? 12.11। कुछ तो नहीं है, पंचर नहीं हुआ होगा ना? सो इस फिलहाल आ चुके घर, एंड ये चेक करो भाई, गाड़ी को हम लोग बाहर ही खड़ा कर दिया है यहाँ पे, क्योंकि क्या हुआ था कि बहुत दिन से गाड़ी घर पे बंद था, तो इसके चलते अंदर में इसका बंद के चलते स्मेल आ गया था सीट वगैरह से, इसके लिए थोड़ा धूप में इसको छोड़ दिया है। थोड़ा सा इसका अंदर से जर्म्स वगैरह, बैक्टीरिया वगैरह धूप से मर जाएगा। बाकी चलते फटाफट से नहा के फ्रेश होना है, एंड आप लोग को फाइनली अब कैट दिखाते हैं, हम लोग आयबा का बच्चा लोग को दिखाते हैं, एंड रॉकी का बच्चा लोग को दिखाते हैं। सो यार गाइस, फाइनली टाइम आ चुका आप लोगों को दिखाने का रॉकी एंड आयबा का बच्चा लोग को। सो ये चेक करो भाई, आसिफ अभी निकाल रहा है ये लोग को। सो फाइनली आप लोग अब देखो, सिर्फ देखो ठीक है। आसिफ पहले आयबा को निकालो, ये चेक करो भाई आयबा को। आयबा सरमारी क्या, हटा। फाइनली ये चेक करो भाई आयबा का बच्चा लोग को, सामने लाओ। अरे ये देखो भाई, फाइनली तीन बच्चा, और एक बच्चा है वो सरप्राइज, अभी नहीं दिखाएंगे वो सरप्राइज। ये चेक करो भाई, सो ये फाइनली सारा बच्चा लोग रहा आयबा का, रॉकी का भाई सब ब्लू आईज, गंदा लगा लिया नोजी में, लोगों साफ करना पड़ेगा। एंड तीन नहीं, टोटल चार बच्चा दिया ये लोग इस बार, एंड एक बच्चा सरप्राइज है। तो सरप्राइज फाइनली ये रहा, ये देखो भाई एक कलरफुल आ गया और तीन वाइट आया अपनी माँ बाप की तरह भाई साहब। बट ये कहाँ से इम्पोस्टर कहाँ से आ गया? ये इम्पोस्टर कहाँ से आ गया? ये देखो भाई साहब, ये लोग का जो नाखून है भाई साहब, कितना मस्त लगती है। ये वाला सबसे प्यारा है हम लोग का, एंड ये सबसे छोटी है। सबसे बड़ा वाला कौन सा सिर्फ? ये सबसे बड़ा, ये बच्चा है, सबसे पहले ये हुआ था ना के बस लोग गंदा लगा हुआ क्या? भाई साहब मतलब ये लोग इतना ज्यादा क्यूट, एंड देखो कैसे वॉक कर रही है ये लोग। पहले कुछ हम लोग, ये लोगों को कितने दिन से छुपा के रखे थे? 10-15 दिन? महीना नहीं हुआ, 10-15 दिन होता होगा शायद, 20 दिन या 15 दिन से ये लोग खो चुका है भाई साहब। एंड हम लोग इतने दिन से दिखाई नहीं थे, वेट करे ताकि लोग बड़ा हो जाए, क्योंकि उस टाइम पे लोग आँख वाँख नहीं खुला था, एंड हम लोग भी इसको सीक्रेट रखे थे। अब फाइनली ये लोग को रिवील कर रहे हैं भाई साहब। सो फाइनली आयबा एंड रॉकी ने दिया चार चार बच्चे, मतलब समझ रहे हो नस्ल। हम लोग लेके आए थे सिर्फ, किसको लेके आए थे? स्नो को।
स्नो से लोगों का नस्ल कितना हो गया, सिर्फ कितना चल रहा है लोगों का, तीसरा पीढ़ी। पहले सिर्फ स्नो आया, स्नो के बाद आया रॉकी एंड आइबा, मतलब ये आइबा आई और रॉकी आया, वो लोग से फिर ये चार नस्ल आया, मतलब समझ रहे हो अभी और आगे बढ़ेगा। एंड देखो भाई सब, बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को बेबीज कैसा लगा। एंड अभी तक किसी का कुछ नेम वगैरह हम लोग नहीं रखे हैं। एंड कितना मेल है कितना फीमेल है, शायद दो मेल या दो फीमेल है, या तो तीन मेल है एक फीमेल है। तो जो भी आप लोग का नाम कमेंट सजेस्ट करना, आप लोग चार बच्चा का, चार कैट का, बेबीज का, आप लोग किटन का नाम सजेस्ट करना भाई, तो कितना प्यारा लग रहा है, समझ रहे हो क्या बोले, वो क्यूटी क्यूटी लग रहा है ना। बाकी आप लोग नाम वगैरह कमेंट करके सजेस्ट करो, बाकी आप लोग और भी व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। आप लोग पहले नाम सजेस्ट करो इन चारों का, जिसका भी नाम सबसे अच्छा लगेगा उसको शॉर्ट आउट मेरे तरफ से नेक्स्ट वाले वीडियो पे। कमजोर हो गई है भाई साहब, आई बातें करो, सेहत इसका लग बहुत सूख गई है, बहुत कमजोर हो गई है पहले से बच्चा देने के बाद ये लोग को। अरे उसको देख उसको देख उसको देख उसको देख उसको देख छुटकी को देख। और भाई इम्पोस्टर 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 का नाम आप लोग बताना भाई साहब, इम्पोस्टर का। और भाई साहब फिलहाल अभी सो के उठ चुके हैं, फ्रेश वगैरह हो गए हैं, अब देखते हैं कुछ खाते पीते हैं एंड लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। बाकी चलो भाई फिलहाल अभी हम बाहर निकले हैं क्योंकि ये चेक करो भाई, ये जो अपनी जेस्ट खड़ी है इसको तो ऑलरेडी आप लोग को बता दीजिए कि सेल पे रखे है इसको, तो इसका ऑयल इसको सेल पे डाले हुए हैं। तो आज एक अंकल या आदमी है जो भी आई डोंट नो वो आने वाले इसको देखने के लिए। बाकी अभी तो ये अपनी आइटम को थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा एंड इसको थोड़ा साफ़ सुथरा कर दे भाई साहब, इसको साफ़ वगैरह कर देते हैं, आइटन निकाल के इसको भी बाहर निकालते हैं, देखो आते हैं देखते हैं पसंद होता है। बस भाई फिलहाल अभी एक भैया आए थे वो कार वगैरह देख के तो गए हैं अभी फ़िलहाल, वो बोले कि कल तक अपडेट देंगे एंड ऑल, अब लेट्स सी देखो लेते हैं कि नहीं, आई डोंट नो। बाकी फ़िलहाल अभी कार वगैरह अंदर कर देते हैं, इसको भी अंदर करना उसको भी अंदर करना है, या तो फिर देख सकते हैं या तो फिर कहीं जा सकते हैं बाहर घूमने के लिए कार लेके। फिलहाल अभी घर से निकले हैं, कुछ जा रहे हैं खाने के लिए, फ्रेंड को ले लेते हैं क्योंकि भूख लग गया भाई, और कार निकला हुआ ही था तो सोचे चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं एंड कुछ खा भी लेते हैं। सो फिलहाल चलते हैं जिशान को लेते हैं एंड चलते सीधे कुछ खाने। सो इस फिलहाल अभी आया है दिल्ली चिकन में कुछ खाने के लिए, अभी आया है हम लोग चिमनी पराठा खाने के लिए। इस फिलहाल आके सो गए थे एंड अभी रात के ऑलमोस्ट 4 बज रहे हैं, तो 4 बजे तक अभी भाई साहब अभी थोड़ी देर पहले नींद टूटा, तो 3:30 बजे या 3:15 बजे से स्टार्ट किए थे ब्लॉग एडिट करना, तो अब जाके ब्लॉग एडिट कंप्लीट हुआ है। सो लास्ट वाला सोचे कि वीडियो एंड करना भूल गए, तो फटाफट से वीडियो एंड करते हैं। सो यस गाइस फिलहाल आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगे, तो लाइक करना, चैनल पर सब्सक्राइब करना, मिलते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय।